गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू योर SST क्लास स्टूडेंट्स. टुडे आई एम कंटिन्यूइंग योर चैप्टर वन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट इज व्हाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी. अंडर दिस चैप्टर टुडे आई एम डिस्कसिंग द टॉपिक दैट इज फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. एंड अर्लियर आई एक्सप्लेन यू द टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, नाउ आई एम एट द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. The name of the feature is one person, one vote, one value. Now, what do you think by this? बेटा अभी तक मैंने आपको जो दो फीचर समझाए डेमोक्रेसी के, उसमें हमने ये पढ़ा कि अगर वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, अगर उसके मेजर डिसीजन जो हैं वो किसी इलेक्टेड रूलर के द्वारा नहीं लिए जा रहे, ठीक है. सेकेंडली हमने पढ़ा कि इलेक्शन मस्ट बी फ्री एंड फेयर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. इफ़ इलेक्शन इज नॉट फ्री एंड फेयर, दैट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, दैट इज वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. कंट्री बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री इफ इन द कंट्री एवरी पर्सन हैव द राइट टू वोट एंड वैल्यू ऑफ एवरी पर्सन वोट मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी वन वैल्यू. हर पर्सन को राइट टू वोट होना चाहिए और हर पर्सन के वोट की वैल्यू एक ही होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्सन के वोट की वैल्यू तो एक है और दूसरे के वोट का हम दो के बराबर काउंट कर रहे हैं. नो, इफ़ इट इज़ देन इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तब वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है. इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू. हर के पास एक वोट होना चाहिए और हर एक के वोट की वैल्यू एक होनी चाहिए. डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी. डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी के फंडामेंटल प्रिंसिपल पर बेस्ड कर पर डिपेंड कर रही है. इक्वालिटी बिफोर लॉ, अगर हम सबको इक्वालिटी नहीं दे रहे हैं तो वो डेमोक्रेसी नहीं है. एंड इट हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय अ नंबर ऑफ कंट्रीज, और ये बहुत सारे कंट्रीज़ में है, बट कुछ कंट्रीज़ में इस पॉलिसी को फॉलो नहीं किया. लेट सी द एग्जांपल ऑफ दैट कंट्रीज. इन सऊदी अरेबिया, फर्स्ट एग्जांपल इज इन सऊदी अरेबिया वुमेन डू नॉट हैव राइट टू वोट. वुमेन्स के पास राइट टू वोट नहीं है. इसका मतलब क्या है? इक्वालिटी नहीं है, ऑल आर नॉट इक्वल. वुमेन को एक एक्टिव सिटीजन नहीं माना गया, वो पैसिव है, ठीक है. नेक्स्ट, इस्टोनिया इज ऑल्सो नेम ऑफ ए कंट्री, हैज़ मेड इट सिटीजन्स, उन्होंने अपने सिटीजन्स में क्या किया हुआ है कि रूल इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी. इस्टोनिया में रशिया के जो लोग रहते हैं, रशियन माइनॉरिटी जो है, फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट. उनके पास राइट टू वोट नहीं है, यानी कि इस्टोनिया में रशियन जो माइनॉरिटी ग्रुप्स लोग हैं वो वोट नहीं डाल सकते. तो इसका मतलब यहाँ भी इक्वलिटी नहीं है. इन कंपैरिजन अगर आप इंडिया को देखेंगे तो हमारे यहाँ पर चाहे कोई माइनॉरिटी है चाहे कोई मेजॉरिटी है, इफ़ ही और शी इज़ द सिटीजन ऑफ आर कंट्री, वो हमारे कंट्री का सिटीजन है, वो वोटिंग वोट्स में उसका वोट बना हुआ है, तो ही मस्ट हैव द राइट टू वोट. उसको वोट का अधिकार है, ठीक है. नाउ थर्ड इज फिजी. फिजी इज एन आइलैंड कंट्री, एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है. द इलेक्ट्रल सिस्टम इज सच दैट, वहाँ का इलेक्ट्रल सिस्टम किस तरह से है, दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी, कि एक इंडिजीनियस फिजी का जो वोट है हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजी. इंडिजीनियस फिजी का मतलब है कि वहाँ के अपने जो रहने वाले हैं, और इंडियन फिजी वो जो भारत से फिजी में शिफ्ट हुए. एक्चुअली बेटे 18-19 सेंचुरी के टाइम पर बहुत सारे भारतीय जो हैं वो एज ए इंटेंडेड लेबर, बंधुआ मजदूर के रूप में जो हैं वो फिजी में शिफ्ट हुए थे. तो वो लोग वापस नहीं आ पाए भारत, तो वो वहीं रह गए, ठीक है. तो इसलिए वो उनके मतलब एनसेस्टर जो आज भी इंडियन फिजीज हैं, उनके एनसेस्टर इंडिया से बिलोंग करते थे, दैट्स वाई उनको
उनके वोट की वैल्यू जो वहाँ के पर्टिकुलरली रहने वाले फीजी हैं उनके वोट की वैल्यू से कम है। तो जब वोट की वैल्यू एक की ज़्यादा और एक की कम हो गई तो वो क्या हो गया, वो डेमोक्रेसी है? नो, दैट इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इन बेसिस पर हम कहेंगे कि फीजी में वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू नहीं है। ऐसे ही इस्टोनिया में वन पर्सन वन वोट नहीं है, सऊदी अरेबिया में भी वन पर्सन वन वोट नहीं है। तो इस तरह से वी कैन से दैट दैट दीज कंट्रीज डोंट हैव अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। ठीक है, तो कंट्री इज अ डेमोक्रेसी इफ एवरी पर्सन हैव वोट राइट टू वोट एंड एवरी पर्सन वोट वैल्यू इज सेम इक्वल। ओके, नाउ दिस इज द थर्ड फीचर ऑफ योर डेमोक्रेसी। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, द रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल ऑफ लॉ, कानून का रूल, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, सबको राइट्स जो दिए हुए हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करना। एक्चुअली वी लर्न अंडर दिस टॉपिक कि अगर हम ने कानून बनाए हुए हैं तो उनको फॉलो भी तो करना है, उनका रूल भी तो होना चाहिए। ये नहीं है कि कानून बना दिया और छोड़ दिया, दैट्स इट, वी आर नॉट फॉलोइंग देम, हम उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमने राइट दे दिए बट उन राइट्स की हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, हम उन राइट्स को कभी भी लोगों से छीन रहे हैं, तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। हम इस फीचर को समझेंगे विद द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल के साथ इस फीचर को हम अंडरस्टैंड करेंगे। लेट्स रीड। सबसे पहले, अ डेमोक्रेटिक रूल विद इन लिमिट्स सेट बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन राइट, इट शुड अलाउ सफिशेंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन। क्या मतलब है कि एक डेमोक्रेटिक रूल कर रही है विद इन द लिमिट बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के साथ, सिटीजन्स के राइट्स के साथ, और वो एक सफिशिएंट रूम और पॉलिटिकल नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में सबको ऐड करती है बिफोर इलेक्शन। ऑल्सो ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट द बेसिक राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन्स आर प्रोटेक्टेड। गवर्नमेंट को ये भी श्योर करना चाहिए कि जो सिटीजन्स हैं उनको जो बेसिक राइट्स दिए हुए हैं वो प्रोटेक्टेड हो, उनको कोई उनसे छीने ना। ठीक है, लोग इंडिपेंडेंट हों। द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑल्सो हैव सर्टेन राइट्स। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी कि गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं उनको भी कुछ राइट्स हैं, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें दी हैं, और उन्हें वो राइट्स वो ड्यूटीज़ पूरी करनी है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे, ये अब एग्जाम्पल बताए गए जिससे हमें पता चलेगा कि रूल ऑफ लॉ और रिस्पेक्ट फॉर राइट कितना कंपल्सरी है। लेट्स रीड द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे अटेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी। जिम्बाब्वे को वाइट माइनॉरिटी से स्वतंत्रता 1980 में मिली। ठीक है, वहाँ पर पार्टी आई जानू पीएफ। अब लीडर है रॉबर्ट मुगबे। बट अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि इलेक्शन हेल्ड होते हैं हर बार, बट हर बार वही पार्टी इलेक्शन जीत जाती है। कौन सी पार्टी? जानू पीएफ। व्हाट डू यू थिंक? पार्टी बहुत फेमस है, रॉबर्ट मुगबे बहुत अच्छा लीडर है? नो, यहाँ पर वही मैक्सिको वाला सीन है, पूरा का पूरा मैक्सिको की तरह ही। यहाँ पर प्रेसिडेंट मुगबे जो है वो अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, वो भी यहाँ पर डर्टी ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैक्सिको में डर्टी ट्रिक्स यूज़ हो रही थी, लोगों को फोर्स किया जा रहा था, ऐसे ही यहाँ पर भी डर्टी ट्रिक्स यूज़ करके रॉबर्ट मुगबे जो हैं वो इलेक्शन हर बार जीत जाते हैं। अब वो कौन सी डर्टी ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं? लेट्स रीड। वन, अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हराश्ड। जो दूसरी पार्टीज़ के वर्कर्स हैं, जो उनके लीडर्स हैं, उनको हराश किया जाता है, उनकी मीटिंग्स को डिस्टर्ब किया जाता है, मीटिंग्स ही नहीं होने दी जाती, उनको कोई डिसीजन ही नहीं लेने दिए जाते। ठीक है, लॉ लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, और कानून के अकॉर्डिंग लोगों को राइट नहीं है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकें। क्रिटिसाइज़ होता है आलोचना,
कि अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी लोगों को पसंद नहीं आई है तो वो उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, बट एग्जैक्टली जिम्बाब्वे में ऐसा नहीं है। लोगों को गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का राइट नहीं है, ठीक है। नाउ ओवर द इयर्स मुगबे गवर्नमेंट हैज़ चेंज्ड, ओवर द इयर्स गवर्नमेंट चेंज हो रही है, चेंज नहीं सॉरी, गवर्नमेंट ने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बार चेंज किया है। कुछ सालों से गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बार चेंज किया है, और इससे क्या हुआ है, जब उसने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बार चेंज किया है, पावर्स द प्रेजिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल, और क्या किया है, टू इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेजिडेंट, पावर्स प्रेजिडेंट की इंक्रीज की है और उसको लेस अकाउंटेबल बना दिया। लेस अकाउंटेबल का मतलब होता है, अकाउंटेबल का मतलब होता है कि हमें आंसर देने पड़ेंगे हमारे कार्यों के प्रति, हमारे डीड्स के प्रति। गवर्नमेंट जो करती है उसको आंसर देना पड़ेगा कि उसने ये फैसला क्यों लिया, ठीक है। बट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके प्रेसिडेंट की पावर्स को इतना कर दिया है कि उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अकाउंटेबल हो, वो आंसर दे अपने डीड्स को, अपने वर्क को लेकर। उसने कुछ भी डिसीजन ले लिया, देयर इज़ नो नीड टू गिव द रिप्लाई टू द सिटीजन्स, ठीक है। ये प्रॉब्लम है वहाँ पर। नाउ नेक्स्ट इज टेलीविज़न और रेडियो, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। टेलीविज़न और रेडियो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, रूलिंग पार्टी के हाथों में है, जो वो कहेगी वही लोगों को दिखाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट है, वो कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी कर सकता है, बट गवर्नमेंट उन जर्नलिस्ट को हराश करती है जो उसके अगेंस्ट लिखते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि कहने को इंडिपेंडेंट है, रूल है, बट एग्जैक्टली वो फॉलो नहीं हो रहा। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो उसको लिखने दो ना जो कुछ वो लिखता है। नो, उसको हैराश किया जाता है, परेशान किया जाता है, और लास्ट में जर्नलिस्ट क्या करता है, वो उसके अगेंस्ट लिखता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रूल है बट उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, राइट्स हैं बट उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। राइट्स कहीं जगहों पर राइट्स ही नहीं है, जैसे लोगों को फ्रीडम राइट ही नहीं है क्रिटिसाइज करने का, ठीक है। सो दिस शोज दैट रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट नहीं है। द गवर्नमेंट हैज़ इग्नोर्ड सम कोर्ट्स जजमेंट, गवर्नमेंट कोर्ट्स के जजमेंट को इग्नोर कर सकती है, गवर्नमेंट कोर्ट के जजमेंट्स को इग्नोर कर सकती है, दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज, और वो प्रेशराइज कर सकती है किसको, जज को, कि वो उसके हक में फैसला ले, किसके हक में, गवर्नमेंट के हक में, ठीक है। तो यहाँ पर भी रूल ऑफ लॉ नहीं है। विनिंग इलेक्शन, इलेक्शन जीतने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे अनफेयर मीन्स यूज़ कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ जिम्बाब्वे नॉट डेमोक्रेटिक इन ट्रू सेंस, वो एग्जैक्टली ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी नहीं है। तो जिम्बाब्वे में रिस्पेक्ट फॉर रूल नहीं है, ठीक है। नाउ कम ऑन, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अंडर दिस टॉपिक वी लर्न कि वट आर द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड वट आर द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। हम कहते हैं गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट एग्जैक्टली बेटा ऐसा नहीं है। हमारी इस संसार में, इस वर्ल्ड में हर चीज़ जो भी है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों हैं, बट डिपेंड्स कि पॉजिटिव कितने हैं और नेगेटिव कितने हैं। हम क्या करते हैं, हम जिस भी चीज़ को अपनाने की कोशिश करते हैं, हम उसमें ये देखते हैं कि कम नेगेटिव हैं और ज़्यादा पॉजिटिव हैं, इसलिए हमने उसको अपना लिया। हमने बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कही, क्योंकि उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, हाँ कुछ बुराइयाँ भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, बट वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज दैट नेगेटिव पॉइंट्स, हम उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स रीड द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, मीन्स कि डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। चलिए लेट्स रीड, फर्स्ट, लीडरशिप, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में लीडर्स बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स इलेक्शन होते हैं, लीडर्स चेंज होते हैं,
बीच में भी कई बार इलेक्शन हो जाते हैं, जब जो गवर्नमेंट है वो लोगों के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती है, तो लोग 5 साल पूरा होने से पहले ही इलेक्शन करवा देते हैं। तो इससे क्या होता है, इट लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, राजनीतिक अस्थिरता। और जब लीडर स्थिर नहीं रहता तो वो सही ढंग से कंट्री डेवलप नहीं कर पाता। 5 साल बाद कोई और है, फिर कोई और है, तो इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो क्रिएट होती है वो हमारी डेवलपमेंट को हार्म करती है। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। डेमोक्रेसी पॉलिटिकल कंपटीशन है, पावर प्ले है, कोई स्कोप नहीं है मॉरल्टी का। जिसके पास पैसा है, जिसके पास राजनीतिक क्षमता है, वो जीत रहा है। और पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स यूज़ करते हैं मॉरल्टी, जैसे हमने पढ़ा ही है जिम्बाब्वे में, मैक्सिको में, चाइना में, वो डर्टी ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं कंट्री को अपने अंडर रखने के लिए। तो वहां कहीं पर भी मॉरल्टी नहीं है, नैतिकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी एंड इट लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। बहुत सारे लोगों के साथ कंसल्ट करना पड़ता है डेमोक्रेसी में। गवर्नमेंट ट्राई करती है कि वो सभी को अपने साथ लेकर चले, सभी इसके साथ डिस्कशन करें, तो इससे क्या होता है, डिलेज होती हैं। देखो हमारे यहाँ पर भी क्या होता है, अगर हमने कोई डिसीजन लेना है तो हम पहले लोकसभा में डिस्कस करेंगे, फिर राज्यसभा में डिस्कस करेंगे, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, समटाइम वो राज्यसभा से वापस लोकसभा में आ जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट डिबेट्स भी करवाती है, लोगों की राय भी लेती है। तो इसमें क्या होता है, डिसीजन लेने में एक लॉन्ग प्रोसेस, एक लॉन्ग टाइम पीरियड लग जाता है। तो डिसीजन धीरे धीरे और देरी से लिए जाते हैं, डिलेज होते हैं। ठीक है, बट अब इसके पॉजिटिव पॉइंट भी हैं डिलेज के, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। कई बार जो लीडर हम चूज करते हैं उनको यही नहीं पता होता कि एग्जैक्टली मेरे लोगों को क्या चाहिए, जनता को क्या चाहिए, और वो बैड डिसीजंस ले लेते हैं। ये भी बड़ा कॉमन है, हमारे लीडर्स इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, या होते भी हैं तो वो आम जनता के साथ इतने वेल कनेक्टेड नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए उनको नहीं पता होता कि एग्जैक्टली लोगों को क्या चाहिए, और वो पार्लियामेंट में बैड डिसीजंस ले लेते हैं। चलिए ना कम द नेक्स्ट। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। डेमोक्रेसी करप्शन पर डिपेंड करती है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, पैसा लेते हैं, बहुत सारा पैसा देते हैं और इलेक्शन जीत जाते हैं। ठीक है, चलिए। ऑर्डनरी पीपल डोंट नो वट इज़ गुड फॉर देम। आम जनता को भी नहीं पता कि हमारे लिए कौन अच्छा है, क्या अच्छा है। कई बार तो हम एक दूसरे के देखा देखी ही वोट डाल देते हैं। ठीक है, और वो इजीली प्रभावित हो जाते हैं। कोई लीडर आया, उसने 4 बातें अच्छी की और वो उससे इन्फ्लुएंस हो गए और वोट डाल दिया। दे डोंट नो कि एग्जैक्टली वो पर्सन कैसा है, और हम कई बार इंक्वायरीज भी नहीं करते, जबकि हमें पता है कि सब कुछ लीडर के बारे में हमें अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से डेमोक्रेसी जो है वो एक बेस्ट फॉर्म, ये कह सकते हैं कि दे हैव सम प्रॉब्लम्स, डेमोक्रेसी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, नाउ कम ऑन द आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। अब कौन कौन से फेवर में जाएंगे, गवर्नमेंट बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दूसरे के कंपैरेटिवली, मोनार्की और डिक्टेटर के कंपैरेटिवली क्यों, बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल है, कोई भी गवर्नमेंट है वो आंसर देने की कोशिश करती है पब्लिक को कि क्या रीज़न था मैंने ये डिसीजन लिया। और सबसे बड़ी बात है, अगर पब्लिक को डिसीजन पसंद नहीं आया तो वो उसको फोर्स कर सकती है टू चेंज द डिसीजन, और अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती तो पब्लिक गवर्नमेंट को ही चेंज कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कैसे, अभी मैंने बताया ना डिलेज होते हैं डिसीजन, लोकसभा में डिस्कस होंगे, राज्यसभा में डिस्कस होंगे, पब्लिक में डिस्कस होंगे, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। बट बच्चे डिलेज तो होता है, पर जब एक टॉपिक को 10 लोगों के बीच में डिस्कस किया जाता है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव सभी एस्पेक्ट्स बाहर आ जाते हैं, तो उसके बाद जो डिसीजन लिया जाता है वो सबसे बेटर डिसीजन होता है। हम वहाँ पर सब नेगेटिव पॉइंट्स को दूर करके पॉजिटिव डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं,
तो ये एक तरह से डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है. नेक्स्ट, इट प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. यस, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंसेस, जैसे इंडिया में हैं बहुत सारे धर्म के लोग हैं, बहुत सारे कास्ट, बहुत सारी कल्चर के लोग हैं, हम उन सब के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स डिफरेंसेस को दूर करके एक वेल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाने की कोशिश करते हैं. तो ये बहुत अच्छी तरह से डील करती है कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने में डेमोक्रेसी. ओके, नेक्स्ट, बेटर है क्योंकि इट्स रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल, लोगों की आवश्यकताओं को लेकर काम करती है. लीडर को पता है कि अगर मैं उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करूंगा तो गवर्नमेंट मुझे, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे और अगली बार वोट नहीं देंगे. तो वोट लेने के चक्कर में और पॉपुलर होने के उसमें जो लीडर है वो हमेशा लोगों को खुश करने की कोशिश करता है. ठीक है, नेक्स्ट, नो वन इज़ परमानेंट लूज़र और परमानेंट विनर. ये भी बहुत अच्छा एस्पेक्ट है. लीडर को पता है कि अगर मैं इस बार जीत गया तो कोई श्योरिटी नहीं है कि मैं नेक्स्ट टाइम भी जीतूं, और जो हार गया उसको भी पता है कि कोई श्योरिटी नहीं है कि मैं नेक्स्ट टाइम भी हार जाऊं, मैं जीत भी सकता हूं अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूं. तो कोई परमानेंट लूज़र नहीं है और कोई परमानेंट विनर नहीं है. इनहांस डिग्निटी, लोगों की, सिटीजन्स की डिग्निटी, महत्व, पहचान को बनाए रखने की कोशिश करती है. लोगों को फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करती है, उनको हर तरह से परफेक्ट करने की कोशिश करती है. इसलिए डेमोक्रेसी डिग्निटी को बनाए रखने की कोशिश करती है. ठीक है, इट अलाउज अस टू करेक्ट फॉर ओन मिस्टेक्स एंड मेक डेमोक्रेसी अ बेटर फॉर्म ऑफ. अगर हमने कोई गलती कर दी है तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट अपने उन डिसीजंस को चेंज कर सकती है. तो हमें ये करेक्शन का रूम देती है डेमोक्रेसी, लोगों को भी देती है करेक्शन का रूम कि अगर उन्होंने गलत लीडर चूज कर लिया है तो वो उसको गिरा कर नया लीडर चूज कर सकते हैं. इसलिए हमें अपनी मिस्टेक्स को दूर करने के में ये हमारी हेल्प करती है. ठीक है, नेक्स्ट, इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ गुड डिसीजंस. बेटर चांसेस ऑफ गुड डिसीजंस, बहुत अच्छे चांसेस देती है अच्छा डिसीजन लेने के लिए. ठीक है, इट रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेज एंड अलाउ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर. और ये रिस्पेक्ट करती है लोगों की विशेज की और हर तरह के लोगों को इकट्ठा रहने में उनकी हेल्प करती है. ठीक है, तो ये थी गुड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, बेटर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, और वी कैन से ऑल दीज आर द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी. ये सारे के सारे डेमोक्रेसी के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं. क्लियर, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, इज ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. इस बेटा इस टॉपिक में कुछ नहीं है एग्जैक्टली, इस टॉपिक के अंदर आपके पास क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे. बस मैं आपको सिंपल बता देती हूँ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक वही पॉइंट्स नहीं है कि हाँ लोगों को राइट टू वोट है या राइट टू चूज देयर लीडर्स हैं. नो, इसके अलावा भी हम डेमोक्रेसी में बहुत कुछ लेते हैं. डेमोक्रेसी में लोग इकट्ठे बैठते हैं, कलेक्टिव डिसीजंस लेते हैं. ठीक है, डेमोक्रेसी को बेटर करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे एफर्ट्स करती है. तो हम बहुत सारी चीज़ें डेमोक्रेसी में ब्रॉड कर रहे हैं, और भी जो ऊपर पॉजिटिव पॉइंट्स बताए उसके अलावा भी हम नया कुछ लाने की कोशिश कर रहे हैं डेमोक्रेसी में. अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं हम, इकट्ठे बैठकर डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल नहीं है कि एक कंट्री में 1 करोड़ जनसंख्या है तो वो 1 करोड़ जनसंख्या इकट्ठी बैठेगी. नो, बट फिर भी डिफरेंट सर्वेज के जरिए, डिफरेंट डिबेट्स के जरिए हम एक ब्रॉडर मीनिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, कलेक्टिव डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहे हैं. अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व कंसल्टेशन, सबको कंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली उनको जो कि डिसीजन से अफेक्टेड होंगे. मीडिया इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सर्वेज होते हैं, डिबेट्स होते हैं. ठीक है, और डेमोक्रेसी कोशिश कर रही है कि वो पॉवर्टी को दूर करे और किसी को भी भूखा ना सोना पड़े. ये ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी है. ठीक है, डेमोक्रेसी, एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग. सबको इक्वल रोल मिले. फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट्स टू वोट. इसके लिए हमें सिर्फ इक्वल राइट टू वोट नहीं चाहिए. एवरी सिटीजन नीड टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन.
सबको इक्वल इंफॉर्मेशन चाहिए, इक्वल राइट टू वोट चाहिए, इक्वल एजुकेशन चाहिए, इक्वल रिसोर्सेज चाहिए और लॉट ऑफ कमिटमेंट चाहिए। ये सब हमारे डेमोक्रेसी के ब्रॉडर मीनिंग है कि लोग आज गवर्नमेंट से ये मांग रहे हैं, राइट्स मांग रहे हैं, इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, एजुकेशन मांग रहे हैं, रिसोर्सेज मांग रहे हैं, कमिटमेंट मांग रहे हैं, ये ब्रॉडर मीनिंग है। ठीक है, सो विद दिस टॉपिक योर चैप्टर इज़ ओवर नाउ। थैंक यू।